देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे सुस्त पड़ती जा रही है। 24 घंटे की बात करें तो ज्यादातर राज्यों में नए मामलों में कमी देखी गई है। हम आपको दिखाते हैं देश भर में कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट क्या है, आखिर किस राज्य में लॉकडाउन से लोगों को राहत मिलने वाली है, किस राज्य में कोरोना का ग्राफ फ्लैट हो गया है और किस राज्य में अभी फिलहाल अलर्ट रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की ऑल इंडिया रिपोर्ट के आंकड़े महामारी के घटते प्रकोप का संकेत हैं। जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की सुनामी आई, अब उन राज्यों में राहत की खबर आई है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों का कोरोना ग्राफ दिखाते हैं, यानी पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 20,740 नए मामले सामने आए, 424 मरीजों की मृत्यु हुई, 31,671 ठीक हुए। दूसरी लहर में पहली बार मुंबई में 1,000 से कम नए केस सामने आए। मुंबई में 929 नए केस और 30 की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल था, लेकिन अब धीरे धीरे महामारी की मार कम हुई है। ठीक ऐसे ही दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। शुक्रवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,141 नए मामले सामने आए, 139 मरीजों की मृत्यु हुई, 2,799 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर थमती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 2,402 नए मामले सामने आए, 159 मरीजों की मृत्यु हुई, 358,407 कोविड टेस्ट हुए। राजस्थान से भी राहत की खबर आई है। लगातार कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 2,648 मामले सामने आए हैं, 78 मरीजों की मौत हुई है। दक्षिण भारत में भी कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में मामले तेजी से कम हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 14,429 नए केस सामने आए, 103 मरीजों की मृत्यु हुई। वहीं केरल में भी कोरोना के नए केसेज में धीरे धीरे कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 22,318 नए केस सामने आए, 194 मरीजों की मृत्यु हुई, जबकि 26,270 ठीक हुए। अब तक महामारी के डराने वाले आंकड़े देश के सामने आ रहे थे, लेकिन अब इन आंकड़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि दूसरी लहर का प्रकोप कमजोर पड़ रहा है। लेकिन अभी भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही एक बार फिर कोरोना के वायरस को वॉर करने का मौका दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।